कौटिल्या की कथा। प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले। एक उपवन में उन्होंने एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, गुरुदेव, ये स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं? इस पर विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये कुटिया तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ बनी वह शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राम पूछते हैं, कौन है ये शिला और क्यों मेरी प्रतीक्षा कर रही है? महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को देवी अहिल्या के जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं। माता अहिल्या, जिन्हें स्वयं ब्रह्म देव ने बनाया था, इनकी काया बहुत सुंदर थी। इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। इनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। इन्हें पाने की सभी देवताओं की इच्छा थी। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, अतः ब्रह्म देव ने एक परीक्षा रखी, जिसकी शर्त थी जो भी परीक्षा का विजेता होगा उसी से अहिल्या का विवाह होगा। अंत में ये परीक्षा महर्षि गौतम ने जीती और विधि पूर्वक अहिल्या से विवाह किया। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्र देव मोहित थे और एक दिन वो प्रेमवासना कामना के साथ अहिल्या से मिलने पृथ्वी लोक आए, लेकिन गौतम ऋषि के होते ये संभव नहीं था। तब इंद्र एवं चंद्र देव ने एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्म काल में गंगा स्नान करते थे, इसी बात का लाभ उठाते हुए इंद्र और चंद्र ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया और चंद्र ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्म काल समझ गंगा तट स्नान के लिए निकल पड़े। महर्षि के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम गंगा घाट पहुँचे, तब उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्हें समय पर संदेह हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया कि यह इंद्र का रचा माया जाल है। वो अपनी गलत नियत लिए अहिल्या के साथ कुकृत्य की लालसा से पृथ्वी लोक पर आया है। ये सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो उसे शाप दिया, उस पर हमेशा राहु की कुदृष्टि रहेगी, और उस पर अपना कमंडल मारा, तभी से चंद्र पर दाग है। उधर इंद्र को भी महर्षि के वापस आने का आभास हो गया और वो भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसे भी श्राप दिया और उसे नपुंसक होने एवं अखंड भाग होने का शाप दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी इंद्र को सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाएगा और न ही उसकी पूजा होगी, और आज तक इंद्र को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। जब इंद्र भागने के लिए अपने मूल रूप में आया, तब अहिल्या को सत्य ज्ञात हुआ, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी, जिसमें अहिल्या की अधिक गलती ना थी। उसके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था, लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने अहिल्या को अनंत समय के लिए एक शिला में बदल जाने का शाप दे दिया। जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सब में अहिल्या की उतनी गलती नहीं थी, परंतु वे अपना शाप वापस नहीं ले सकते थे। अपने इस शाप से महर्षि गौतम भी बहुत दुखी थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श होगी, उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पूर्व स्वरूप में पुनः लौट आओगी। इतना कहकर दुखी गौतम ऋषि हिमालय चले गए और जनकपुरी की कुटिया में अहिल्या की शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोग रही है।
कथा सुनने के बाद राम अपने चरणों से शिला पर स्पर्श करते हैं और देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और राम का वंदन करती है। देवी अहिल्या राम से निवेदन करती हैं कि वो चाहती हैं उनके स्वामी महर्षि गौतम उन्हें क्षमा कर उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दे। राम अहिल्या से कहते हैं, देवी आपकी इसमें लेश मात्र भी गलती ना थी और महर्षि गौतम भी अब आपसे क्रोधित नहीं हैं, अपितु वो भी दुखी हैं। अहिल्या के अपने स्वरूप में आते ही कुटिया में बाहर आ जाती हैं और पुनः पंछी चहचहाने लगते हैं। तत्पश्चात उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ पुनः जनकपुरी को लौट आए।